बोल जी, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आई एम ममता संधू फ्रॉम करनाल। फ्रेंड्स, मेरा बर्थ प्लेस गोहाना सोनीपत एंड मैरिज मेरी और मेरी सिस्टर की एक ही फैमिली में करनाल में हुई। प्रभु कृपा से हमें बहुत प्यारी, केयरिंग और एजुकेटेड फैमिली मिली। मैं और मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक मेरा बेटा एंड एक मेरी सिस्टर जो कि मेरी देवरानी भी हैं, उनका बेटा। दोनों बेटे 8 ईयर्स ओल्ड हैं। फ्रेंड्स, मैंने गोलोक एक्सप्रेस फैब 2021 में सरस्वती तनेजा जी के माध्यम से ज्वाइन किया था और आज मैं प्रभु कृपा से और गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा विश्वास था। जब मैं अपने दादी जी को प्रभु सिमरन करते हुए देखती थी, दुर्गा माता जी की जोत लगाना, पूजा पाठ करना, नवरात्र फास्ट एंड एकादशी फास्ट करते हुए देखती थी, तो मैं भी उनसे इंस्पायर हुई। बट फ्रेंड्स, आफ्टर मैरिज मेरी इन लॉ फैमिली में डिवोशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज नहीं थी। मैं बहुत शाय नेचर की थी। ज़्यादा भीड़ में नहीं चलना, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना मुझे पसंद नहीं था। सिर्फ मुझे जो भगवान जी से जुड़ी हुई बातें करते थे, मुझे वही पसंद आती थी। देन आफ्टर मैरिज मेरी और मेरे हस्बैंड की स्टडी कॉन्टिन्यूसली चलती रही। हमारे सेम क्वालिफिकेशन, सेम ट्रेड, इंजीनियरिंग लाइन थी। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अपनी लाइफ में स्टडी एंड डिवोशन को ही इम्पोर्टेंट मानती थी। जब मेरा बेटा हुआ तो हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई थी। देन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसी हुई कि न तो मैं प्रॉपर वे में स्टडी कर पा रही थी और न ही पूजा पाठ। मेरे अंदर बहुत डर था। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं फास्ट रखूँगी या फिर पूजा पाठ करूँगी, कभी मेरी फैमिली में कोई मुझे कुछ बोल ना दे, तो फ्रेंड्स मैं डर वाली भक्ति करने लगी। और मुझे पूजा पाठ करते देखकर मेरे हस्बैंड पर भी प्रभु कृपा हुई और वो भी भगवान के प्रति विश्वास करने लगे और मेरे साथ पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो गए। तो फ्रेंड्स, जब मेरा बेटा 4 ईयर्स का था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती चली गई, विल पावर बिल्कुल नहीं, हर बात पर मुझे गुस्सा आने लगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म। बट लकीली फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड बहुत ही पॉजिटिव एंड केयरिंग होने के कारण मेरे अंदर, मैं अपने आप को कोसती भी रहती थी और गिल्टी फील करती थी और भगवान जी से प्रेयर करती कि भगवान जी मुझे भी मेरे हस्बैंड की तरह पॉजिटिव एनर्जी दो। तो फ्रेंड्स, मुझ पर भगवान जी की असीम कृपा हुई। बात फैब 2021 की है, जब ठाकुर जी के संकीर्तन में मुझे सरस्वती आंटी जी मिले जो करनाल से ही हैं। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया और सुमन गुप्ता जी जो हमारे बहुत ही प्यारे मेंटोर हैं और ब्यूटीफुली गाइड करते हैं, उनके ग्रुप में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बेसिक टॉपिक्स, लाइफ के फंडे करवाए और जैसे जैसे मेरे मेंटोर्स मुझे बताते चले गए, मैंने रेगुलरिटी के साथ सत्संग लगाना शुरू किया और हर एक टॉपिक को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इसमें फोरेस्ट पिलर से मुझे बहुत हेल्प मिली। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग तो मुझे पहले भी बहुत अच्छा लगता था, संकीर्तन, भजन सुनना। मैंने साधना पर फोकस किया, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। जो मेरा एंगर था, धीरे धीरे वो कम होने लगा। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जो मेरे अंदर डर था, डर वाली भक्ति अब मैं नहीं करती।
अंदर से ड्रामा बाहर से ड्रामा, एक कछुए की भांति मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती हूँ। और जैसे जैसे भगवद गीता की रीडिंग हो रही है, मेरे मेंटोर्स मुझे करवा रहे हैं, तो मेरे सभी डाउट्स क्लियर होते चले गए। पहले मुझे लगता था कि हमें घर बार छोड़कर ही हम भक्ति कर सकते हैं, बट नॉट फ्रेंड्स। ये मेरी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन रही है। हमें भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई, परफॉर्म योर ऑल ड्यूटीज बाय एड टू कृष्णा एंड सरेंडर टू गॉड योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के सभी मॉडल मुझे बहुत प्यारे लगे, बट वन ऑफ माय फेवरेट मॉडल इज ABCD मॉडल। जो हम डेली रूटीन में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते रहते हैं, फालतू की गॉसिप करते रहते हैं, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करना स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, एक्सेसिव थिंकिंग, जो कि मैं प्रेजेंट की बजाय पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचती रहती थी, धीरे धीरे वो भी कम हुई। और सबसे पहले फ्रेंड्स, इस बात की मुझे खुशी हुई कि मेरी तो लाइफ ब्यूटीफुल बनी ही बनी, साथ में मेरी कंप्लीट फैमिली की लाइफ में बहुत प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं। मेरे बेटे भी पॉजिटिव लिविंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही बेटर फील कर पा रहे हैं। और हमारी कंप्लीट फैमिली भगवान जी की प्रेजेंस हम फील कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगी कि आप सभी भी किसी ना किसी के माध्यम से भगवान जी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पाइए। सो थैंक यू सो मच सरस्वती तनेजा जी, जो आपने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया, एंड माय मेंटर्स सुमन जी, रचना जी, जो आपने मुझे ब्यूटीफुली गाइड किया, एंड निखिल जी, आपको मेरा सच सच नमन, जो आपने हमारे लिए यूनिक वंडरफुल डिवाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल बनाया, एंड गोलोक एक्सप्रेस टीम, निमिष जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।